वेलकम बैक टू माई चैनल डाइजेस्ट इंग्लिश। आज हम लोग कुछ ऐसे टिप्स सीखने वाले हैं जिससे हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी विदाउट एनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। एंड मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी ऐसे टिप्स फॉलो करने से जरूर बढ़ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो द फर्स्ट टिप, आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसे बढ़ाएं? आपको अपना सबसे पहले ईगो पीछे छोड़ना है। ईगो पीछे छोड़ना है मतलब आपको जो हेजिटेशन होता है इंग्लिश बोलने के समय वो आपको पीछे छोड़ के जाना है। यू शुड नॉट हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपकी हेजिटेशन रहेगी तो आप कभी भी आप फ्लुएंट नहीं हो पाओगे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। सेकंड टिप ये है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करें। अच्छी बुक्स का मतलब ये नहीं कि मतलब आप कॉमिक्स उठा लें कहीं से या फिर आप टिंटिन उठा लें, ये वो सब कॉमिक्स बुक या टिंटिन ये सब नहीं पढ़ना है आपको। अच्छी बुक्स का मतलब सिंपल इंग्लिश हो जिसमें, बट आपको जो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे वैसी बुक्स उठा के आपको पढ़ना है। एंड ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पेजेस डेली आप पढ़िए ताकि जो है आप बोर भी फील ना करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना वोकैब जो है स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो यू शुड रीड अ बुक विच अम्यूजेज यू, विच इंटरेस्ट यू, ओके, एंड स्टार्ट विथ सिंपल इंग्लिश, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। टिप, आप डेली इंग्लिश न्यूज़ सुने, इससे भी आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा और सेकेंडली आपका जीके भी बढ़ेगा। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप दिन में एक बार या दो बार, बहुत अच्छा होगा अगर तीन बार भी सुन सके सिर्फ हेडलाइंस। अगर आप तीन बार भी या दो बार भी इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं उससे भी आपका जो है फ्लुएंसी बढ़ जाएगा, ओके। एंड उसके साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगेन मैं बोल रही हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो जिसमें लैंग्वेज है वो उठा के पढ़ना शुरू करें। आप टेलीग्राफ से शुरू कर सकते हैं जिसकी इंग्लिश इजी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। सो आप वो उठा ले और जो है एक आर्टिकल या दो आर्टिकल, ज़्यादा नहीं है, एक आर्टिकल या दो आर्टिकल आप पढ़िए डेली ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ जाए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप बोलना शुरू करें, आप कन्वर्स करना शुरू करें अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप 5 सेंटेंसेस अपने डेली रूटीन के, आपके पूरे दिन में क्या हुआ आप लिख, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इन सेंटेंसेस को गूगल पे ऑटोमेटिक ग्रामर चेक होता है उस पर चेक कर सकते हैं लिख के कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं और कलीग्स हैं तो सबसे बढ़िया, जिनको आपसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती हो आप उनसे जो है विदाउट हेजिटेशन बोलना शुरू करें। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जैसे जैसे बुक्स पढ़िएगा, आप इंग्लिश मूवीज या न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कीजिएगा, आपका जो है ग्रामर अपने आप सही होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप जैसे बोलना शुरू कीजिएगा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी अपने आप। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक and comment on my video. Thank you for watching.